भाई फॉर्चुनर ले ठंडा नॉर्मल ले दो आंटी को। गाइस हम जा रहे थे और देखो रोड पे फॉर्चुनर इधर से आ रही थी और ये किया इधर से आ रही थी, सामने से टक्कर लगी कितनी बेहतरीन वाली, इतनी जानदार टक्कर लगी है ना बहुत ज्यादा। हैं खिड़की भी ना खुल रही इसकी, ना खुल रही उड़गा आगे को पैनल अंदर आ जाओगे ना। हाँ ये देखो एयर बैग, इसलिए कहते हैं महंगी गाड़ी लेनी चाहिए। देख रहे हो पूरी गाड़ी एयर बैग से टन हो गई है, उधर देखो इधर देखो इधर देखो। गाइस वैसे सब लोग सेफ हैं और यहाँ पे ये लोग दिक्कत लगेज देख सकते हो जो किया वाले हैं, ये लोग घूमने जा रहे थे कश्मीर और कितने उससे तो प्लान्स बनते हैं जाने के लिए मुश्किल से, और बट थैंक्स टू गॉड की जाना किसी को चोट नहीं लगी है, सबसे अच्छी बात यही है। पर जो हुआ देखो गलत हुआ, पर वही है ना एकदम से अनहोनी को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो होता ही है, बट सेफ ये है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। ये भी अच्छा है कि सबने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, एयर बैग खुले हैं जब खुलते हैं, जब एयर बैग खुलती है। हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि अच्छा है कि सबने सीट बेल्ट लगाई हुई। गाइस ये सबसे अच्छी बात है और आप भी हमेशा ध्यान रखना, इस चीज से बहुत बड़ी सीख है, धीरे गाड़ी चलाओ और क्या बोलते हैं आपकी सीट बेल्ट को हमेशा लगाओ, वरना एयर बैग्स भी नहीं खुलेंगे अगर देखो दोनों गाड़ियों के एयर बैग्स खुले हुए हैं। हाँ गाइज आप ये देख सकते हो अगर सीट बेल्ट आप लगा के रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि एयर बैग इसके भी खुल चुके हैं और उसके भी, बस एक एयर बैग रह गया है। हाँ। कहते हैं अगर अच्छी गाड़ी लो लाख दो लाख मत देखो, बढ़िया गाड़ी लो और देखो। हाँ। सेफ्टी सेफ्टी हमेशा पूरी गाड़ी एयर बैग से भरी पड़ी है और सेफ्टी हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए। और ये देखो गाइज सारे एयर बैग खुल हुए हैं, सारे यहाँ देखो सीट के पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर करके देखो, पूरी हाँ। गाड़ी एयर बैग से भरी पड़ी है इसीलिए सब बच गए। हाँ वरना गाइस बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है ये देखना, और ये वाली स्पीड में थी गाड़ी और ये थोड़ी स्लो थी, तो गाइस हमेशा हमेशा ध्यान से चलो, अपना सीट बेल्ट हमेशा लगा के चलो और सेफ्टी पहले है, बच्चे भी साथ रहते हैं सब साथ रहते हैं तो सेफ्टी सबसे ज्यादा पहले है। देखो इन्होंने आज देखा है अपनी गाड़ी में आगे कितने सारे गड्ढे हो रहे हैं, ओ वैसे नहीं दिख रहे अभी जाना बिल्कुल ऊपर छाए पड़ी है इसलिए ऐसा लग रही है। मेरे को लगा तुमने आज गाइस विवेक को ये भी नहीं पता क्या क्या बता रहे हो क्या लगा हुआ है वो इसको वो हो गई होगी स्किन डिसीज है ना, मुझे लग रहा है दूसरी गाड़ी लेके जल्दी छोड़नी पड़ेगी स्किन डिसीज हो गई इस गाड़ी को। गाइस हमारे विवेक का भी कुछ नहीं होता, धूप में लाल हो गया और हम हाँ आड़ू के चक्कर में 8 किलोमीटर आई आड़ू ही ना मिले। गाइस अब हम यहीं पे हैं क्योंकि दोनों गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं, तो अब इनको कंप्लेन करिए रजिस्टर्ड और वो गाड़ी लेने आएंगे जो वो होता है सर्विस वाले, तभी गाड़ी जाएंगी। हम लोग यहाँ खड़े हैं थोड़ा पानी वानी दे रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे जो भैया की गाड़ी आ चुकी है मतलब जिनकी गाड़ी लगी हुई है और फिर हम भी जाने की सोच रहे हैं कि यहाँ से अब चलते हैं। और गाइस बस
अब थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया है ये सब चीज़ें देख के, और आगे व्लॉग करने का थोड़ा मेरा अभी मन नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए मेरे माइंड को भी। पर मैं यही बता रही हूँ गाइज, कभी भी हाईवे पे जाओ या कहीं भी जाओ, सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा मस्ट है। ये देख लो, स्पीड पे भी नहीं थी गाड़ी, सिर्फ 20 की स्पीड पे थी, और आप देख सकते हो क्या हाल हुआ है गाड़ी का। तो इसके जो एयर बैग्स हैं गाड़ियों के, वो तभी खुलते हैं जब आप सीट बेल्ट लगा के रखते हो। तो सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहनने, और सीट बेल्ट की वजह से ही सब लोग यहाँ पे बच चुके हैं। और अब हमें घर जाना है, और अब घर क्या, अभी हम गाइस थोड़ा आगे ही जाएंगे, यहाँ पे हमें बुआ से भी मिलना है, और यहाँ पे सबको बाय कर दिया है, और हम चलते हैं अपने घर के लिए।